और रेड इन्वेस्टर्स, हमारी आज की कंपनी का नाम एल्यूमिनियम एंड आइकॉन से मिलाकर बनाया गया है। ये एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है एंड ये एक नहीं कई सारी कंपनीज का मिश्रण है जो इन्हें एक्सपर्टीज देती है इन वेरियस सेगमेंट्स। इस कंपनी का नाम है एलिकॉन कैस्टेलॉय एंड इनका मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट ये एरियाज में है। तो बेसिकली एल्यूमिनियम एंड अलग मेटल्स को पिघला के उसका एलॉय बनाया जाता है। इस पिघलाए हुए मेटल को एक मोल्ड में डालते हैं एंड इस प्रोसेस को हम कास्टिंग बोलते हैं। एलिकॉन एल्यूमिनियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए कॉन्सेप्ट से लेके फाइनल प्रोडक्ट की असेंबली एंड पेंटिंग तक सारे सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड ये केटर करते हैं टू दीज इंडस्ट्रीज। अब आपके इंजन के अंदर सिलेंडर हेड होते हैं एंड ये वो सिलेंडर हेड्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और यही नहीं, इंडिया के 42% सिलेंडर हेड्स यही बनाते हैं। इनका क्लाइंट्स का लिस्ट देखिए, 22 लाख से ज्यादा बाइक्स एलिकॉन का सिलेंडर हेड यूज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑटोज, ये डिफेंस में टैंक्स के लिए एल्यूमिनियम अलॉय व्हील्स भी डेवलप करते हैं। सैंड कास्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें सैंड को मोल्ड के जैसे यूज किया जाता है एंड उसमें मेटल पोर करके फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन इसकी प्रॉब्लम एक है कि इसमें फाइनल प्रोडक्ट्स में डिफेक्ट्स काफी होते हैं। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए इन्होंने ग्रेविटी डाई कास्टिंग यूज किया जिसमें बेसिकली एक मेटल मोल्ड रहता है एंड उसमें मेटल पोर किया जाता है। इसके वजह से प्रोडक्ट्स में डिफेक्ट्स का रेट कम होता है एंड इस स्पेस में सीमेंस इनका बिगेस्ट क्लाइंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन्होंने जर्मन रेलवे मिनिस्ट्री को ब्रेकिंग सिस्टम सप्लाई किए हैं एंड ये बड़ी चीज है क्योंकि ये सिस्टम्स का डिमांड है जीरो डिफेक्ट्स। ये इस कंपनी के क्वालिटी का प्रमाण है। Here is a look at the company's product offerings. Hopefully, आप समझ गए ये कंपनी क्या करती है। Now, let's move on to the company's growth drivers. But before that, if you're new to the channel, इस वीडियो में हम सिर्फ बिजनेस डिस्कस करेंगे and next वीडियो में valuations and financials डिस्कस करेंगे. So, subscribe if you don't want to miss out on that. And subscribers, जाके हमारी community join कर लो, उसका link description में है. So, as you know, government Make in India को push दे रही है and उसकी वजह से aluminium castings की demand बढ़ेगी. So, this is a definite growth driver for the company. ये कंपनी के क्लाइंट्स काफी डाइवर्सिफाइड है एंड एक इंडस्ट्री का डी ग्रोथ इन पे ज्यादा इफेक्ट नहीं करना चाहिए एंड कंसिस्टेंट ग्रोथ इसको मिलनी चाहिए। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द हेडविंड्स ऑफ द कंपनी। एल्यूमिनियम के प्राइसेस वोलेटाइल होते हैं सो दैट कैन इंपैक्ट द कंपनीज मार्जिंस। 3D प्रिंटिंग अभी काफी स्लो एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस है लेकिन एज द टेक्नोलॉजी इवॉल्व्स टू बिकम बेटर, ये एलिकॉन के धंधे को इफेक्ट कर सकते हैं। इनके पास कॉम्पिटिशन भी भरपूर है फ्रॉम प्लेयर्स लाइक संवर्धन, मदरसन, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज एंड उषा मार्टिन। अपार्ट फ्रॉम दिस, चाइनीज एंड कोरियन प्लेयर्स भी इनके साथ कम्पीट करते हैं। फाइनली, ग्लोबल मैक्रो ब्रेकडाउन भी इनके बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। दिस टाइम इंस्टेड ऑफ मी डूइंग द बिजनेस एनालिसिस, व्हाई डोंट यू राइट डाउन योर व्यूज इन द कमेंट्स बिलो। बेस्ट कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। आई रियली वांट टू नो व्हाट योर थॉट्स आर ऑन द कंपनी। मैंने बिजनेस एनालिसिस के पॉइंटर्स को कमेंट्स में पिन कर दिया है, सो यू जस्ट हैव टू कॉपी एंड पेस्ट एंड राइट योर थॉट्स डाउन। हियर इज अ लुक एट द मैनेजमेंट फॉर यू टू गो थ्रू। मेक श्योर यू डू योर रिसर्च एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।